तो चलो अब हम नए सम की तरफ देखते हैं। नया सम जिसमें कि हमें इसी तरह आरडीडी के एडजस्टमेंट भी है और कुछ अलग अलग नए एडजस्टमेंट है जिसमें कि गुडविल है फॉर्म का वो बड़ा है, किस तरह से फिर उसके एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी वो सारी चीजें देखते हैं। ये एकदम नया गुडविल का जो इसके अंदर कंसेप्ट है उसको बहुत ध्यान से देखना है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवेन। क्रेडिटर्स 20,300, बिल्स पेबल 10,600, बोथ आर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज साइड में इंटर करेंगे। जनरल रिजर्व 13,500 बताया गया, तो जनरल रिजर्व हमको क्या करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो क्या करना है, हमें ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वली हमें ऊपर लिखकर बताया गया है। अनिल 43,600, सुनील 35,000 एंड सुरेश 32,000 कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैंक दिया है 8,400, बैंक का अमाउंट 8,400, इसमें कैश हमें नहीं दिया गया, सम के अंदर बैंक दिया गया है। सो हम लोग उसी तरह से जैसे कैश का अकाउंट मेंटेन करते थे वैसे ही बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे। डेटा 18,000 लेस आरडीडी 900 बताया गया, 17,100 फाइनल बैलेंस आउटर कॉलम में है, तो डेटास जो है इस बैलेंस शीट के अंदर 17,100 है, ठीक है। कंप्यूटर 17,500, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, मशीनरी 10,000, फर्नीचर 20,000 एंड गुडविल 12,000, इस तरह से सारी एंट्रीज दी गई है, ठीक है। और ये सारी चीजों के अमाउंट बता दिए गए कि इतना 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 अमाउंट हुआ। ये सारे असेट्स है, असेट्स पूरे पूरे इंटर कर लेंगे हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में, जहां पर एडजस्टमेंट है उन सबको मार्किंग करके उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ेंगे, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर फ्रॉम द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म, सुरेश रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 को, क्या क्या कंडीशन है। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग रेज हो रहा है 10%, सो लैंड एंड बिल्डिंग पे मार्किंग करेंगे। कंप्यूटर रेज बाय रिड्यूस बाय 1900, कंप्यूटर कम हो रहा है 1900 रुपये से तो कंप्यूटर पे मार्किंग करेंगे, कम हो रहा है उसका अमाउंट जाएगा डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे लिए लॉस है, अप्रिसिएशन हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने बनाया है क्योंकि मुझे सम में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला गया, तो सम में जो बोला है वो बनाने के लिए हम लोग ने इस तरह से ये किया है। तो जो अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो उसी के अकाउंटिंग अकॉर्डिंग इंट्रीज करोगे। और जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मान लीजिए फंड ट्रांसफर कर रहे हो, कहीं पर भी फंड ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज करोगे, जो अकाउंट आप क्रिएट करोगे उसी अकाउंट का वर्ड आप यूज करोगे। नेक्स्ट इज डेटर वेयर ऑल गुड एंड आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है इस तरह का एडजस्टमेंट। तो इसमें क्लियरली वर्ड यूज हुआ कि डेटर वेयर ऑल गुड मीन्स डेटर जितने भी हमारे पास सब सही है, सब बहुत अच्छे है, ऑल गुड। सो वी डोंट मतलब आरडीडी वी आर नॉट रिक्वायर, नो लॉन्गर वी रिक्वायर आरडीडी, आरडीडी हमें मेंटेन नहीं करना है। सो वी आर ऑलरेडी मेंटेन आरडीडी, हमने बैलेंस शीट देखा जो ओल्ड बैलेंस शीट हमें दी गई उसमें हमने 900 रुपीज का ऑलरेडी आरडीडी देखा है, तो वो आरडीडी हमें खत्म करना है। यानी डेटर्स जो 18,000 उसमें से आरडीडी कुछ माइनस नहीं करना है, डेटर्स का वही अमाउंट 18,000 सीधे आउटर कॉलम में आना चाहिए, ऐसा हमें इस समय बोला गया है। बट गाइज इस तरह से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, डेटर्स इंक्रीज हो रहे, पहले 17,100 आ रहा है 18,000, यानी 900 से इंक्रीज हो रहे, हमारे लिए प्रॉफिट का पार्ट है, इसको कैलकुलेट करके इसको भी इंटर करना है जैसे लास्ट समय किया था। मशीनरी रिवैल्यूट हो रही 9,400 एडजस्टमेंट है, फिर से एडजस्टमेंट के लिए पार्ट करेंगे। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट 16,500, ये गुडविल है 16,500, तो हम क्या करते हैं जैसे हर समय करते जा रहे वैसे इस समय सॉल्व करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि इस समय हमें बैलेंस शीट जो ओल्ड बताई गई उसके अंदर ऑलरेडी एक गुडविल अमाउंट बताया गया है, दैट इज 12,000, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सम जो मैंने आपको बोला था गुडविल पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी हमें गुडविल बताया गया 12,000 और अब हमें बोला जा रहा है कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट रुपीज 16,500, मतलब इस फॉर्म में अभी गुडविल बढ़ गया है। सो जब गुडविल बढ़ गया ऐसे में गुडविल हमें रेज करना है टिल द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट, ठीक है। 12,000 था, 16,500 मतलब 4,500 बढ़ा है, तो सिर्फ 4,500 का न्यू गुडविल रेज करेंगे। एंड रिटर्न ऑफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें समय नहीं दी गई है, सो हम लोग क्या करेंगे, रेज करेंगे एंड गुडविल अमाउंट को फाइनल अकाउंट के जो न्यू बैलेंस शीट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो फाइनल बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे हैं आफ्टर द रिकंस्टिट्यूशन, उसमें हम लोग गुडविल अमाउंट 16,500 बताएंगे। एक और एडजस्टमेंट ऐसा बन सकता है जहां पर हमें गुडविल ऑलरेडी जैसे सम में दिया गया 12,000 वैसे दिया गया है, और ऐसे सम के अंदर हमें क्या करेंगे, गुडविल रेस करने के लिए भी बोला गया कुछ अमाउंट रेस करके फिर पूरा अमाउंट रिटर्न ऑफ करने का, ऐसा भी एडजस्टमेंट आ सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। और इस तरह से अभी भी रिटर्न ऑफ करेंगे तो आपको गेन रेशियो चाहिए, यहां पर हमें गेन रेशियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्नीचर वेयर सोल्ड एट रुपीज 21,800, सो फर्नीचर हमें अगले बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होगा क्योंकि फर्नीचर हम लोग सोल्ड कर रहे, नहीं दिखाना ये ओके। बट अब देखते हैं फर्नीचर अमाउंट कितना है ओल्ड बैलेंस शीट में, दैट इज 20,000 है अब, बट कितने में बेचा गया 21,800, मतलब 1,800 रुपये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में बेचा जा रहा है,
सिंपली हमें प्रॉफिट अकाउंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना होगा क्योंकि हमें फायदा हुआ है। ठीक है, पार्ट पेमेंट 15,000 वाज मेड टू सुरेश बाय आरटीजीएस। सुरेश जो है वो रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायरमेंट पे जो भी पेमेंट बनता है उसमें 15,000 हम वो पार्ट पेमेंट कर देंगे उसे बाय आरटीजीएस बिकॉज वी आर मेंटेनिंग बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सो वेरी सिंपल, ये आप ऑलरेडी सब सम में करते आ रहे हो सो यू कैन डू इट इजिली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड सुनील। वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे तो अनिल एंड सुनील की बैलेंस शीट बनाने बोला गया है, नथिंग टू बी वॉरी क्योंकि अनिल एंड सुनील ही दोनों पार्टनर रहेंगे। इसके बाद जो सुरेश है वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं कि इस तरह के वर्डिंग यूज हो रही तो हमें क्या करना है। ठीक है, सो देखिएगा इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है अनिल एंड सुनील की ऑन 1st अप्रैल 2019। अनिल एंड सुनील वर्ड यूज कर लेता हूं मैं और ये अलग से आपको लिख के इसीलिए बता रहा हूं कि इस तरह से कंफ्यूजिंग वाला कुछ नहीं है। ठीक है, सो गाइस अब हम देखते हैं कि सारी एंट्रीज हमें किस तरह से करनी है। सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स बताए गए तो वही चीज हमें करनी है कि अनिल सुनील और सुरेश में से सुरेश रिटायर है तो अनिल और सुनील का कैपिटल अकाउंट बैलेंस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हमें लिखना होगा। उसके लिए मैंने प्लेस छोड़ दिया अनिल एंड सुनील। इसके बाद मैं अपनी रेगुलर एंट्रीज स्टार्ट करता हूँ। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना दिया गया 20,300, नथिंग एट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है गाइस, एडजस्टमेंट नहीं तो मैंने इसी तरह एंट्री कर दिया। इसके बाद बिल्स पेबल बताया गया 10,600, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 10,600 मैंने इंटर कर दिया बिल्स पेबल का। इसके बाद क्या बताया गया देखो, इसके बाद जनरल रिजर्व 13,500 रुपये बताया गया। फिर वही चीज, जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है इक्वली बोला गया था, कुछ और चीज़ नहीं बताई गई थी। इक्वली रेशियो का मतलब होता है 1:1:1, मतलब सबको बराबर ही में बांटना है। 13,500 को अगर हम लोग बराबर बराबर बांटने जाएंगे तो 4,500 मिलेगा। ट्रांसफर करने के पहले ओपनिंग बैलेंसेस के लिए प्लेस छोड़ना है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंसेस के लिए प्लेस है। इसके बाद बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दे रहे हैं सारे पार्टनर्स के अकाउंट में, 4,500 इस तरह से मैंने रिटर्न ऑफ कर दिया। आप देखते हैं आगे क्या बताया गया, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस बताया गया अनिल सुनील एंड सुरेश के, सारे ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर 43,600। आफ्टर दैट इज न्यू एंट्री, सॉरी 43,600, 35,000 and 32,000 मैंने इंटर कर दिया। लायबिलिटी साइड की सारी एंट्रीज होने के बाद एसेट साइड में देखेंगे, एसेट साइड में बैंक अकाउंट सबसे पहले बताया गया 8,400, वही चीज मैं करूंगा यहाँ, जो मैं यहाँ पे यहाँ पे लेता हूँ बैंक 8,400 और इसको अब मैं मेंटेन करूंगा यहाँ पे, इसमें सारी जो भी एंट्रीज होती आगे वो यहाँ पे मेंटेन करूंगा। डेटस बताया गया 18,000, डेटस के ऊपर एडजस्टमेंट है, अगर हम ऐसे देखें तो वैसे तो डेटा पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है बट एक्चुअली एडजस्टमेंट है क्योंकि डेटस जो है वो 18,000 पहले बताया गया है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट है और वो मैं आपको बाद में करके बताऊंगा। तो मैंने प्लेस छोड़ दिया डेटस के लिए, कंप्यूटर 17,500 बोला गया, फिर से कंप्यूटर के लिए भी मैं प्लेस छोड़ देता हूँ और इनर कॉलम एंट्री कर देता हूँ कंप्यूटर 17,500 एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ दिया। नेक्स्ट असेट्स है हमारे लिए वो है दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, फिर से प्लेस छोड़ दिया इनर कॉलम में इंटर करके मैंने एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या बोला गया देखें, नेक्स्ट बताया मशीनरी 10,000, अगेन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ देंगे। मशीनरी कितना बताया गया, मशीनरी 10,000 इनर कॉलम में इंटर कर दिया, एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ दिया मैंने। इसके बाद क्या बताया गया देखते हैं, इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद बताया गया फर्नीचर 20,000। नाउ यू कैन डू के फर्नीचर सोल्ड हो गया, ऑलरेडी हमें समय बताया गया कि फर्नीचर वाज सोल्ड, सो अगर आपको मेंटेन करना आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो एक ऐसे ही अकाउंट, बट वी डोंट हैव टू मेंटेन बिकॉज फर्नीचर इज ऑलरेडी सोल्ड। फर्नीचर सोल्ड हो गया, हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्नीचर 20,000 का था, सो 20,000 हमारी बुक वैल्यू थी, 20,000 हमें आना चाहिए था, लेकिन फर्नीचर सोल्ड कितने में हुआ, 21,800 रुपये में। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक स्मॉल वे में बेसिकली फर्नीचर इज 20,000 मैंने यहाँ पे ले लिया, फर्नीचर जब मैं बेच रहा हूँ तो 21,800 में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये पार्ट में वहाँ पर भी कर सकता था बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट में हमें नहीं शो करना क्योंकि ऑलरेडी सोल्ड हो गया है, मैंने यहाँ शो कर दिया। ठीक है, तो 21,800 में जब सोल्ड हुआ तो हमारे पास क्या आया है, पैसा आया है, मनी, वी हैव रिसीव मनी, सो वी हैव रिसीव मनी। तो 21,800 मैं यहाँ बैंक में बताऊंगा। ठीक है गाइस, बैंक में 21,800 रुपये आ गया। अब देखिए 20,000 का फर्नीचर 21,800 में बिका तो 1,800 रुपये हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट वी हैव टू ट्रांसफर इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम लोग कहते हैं,
सो यहाँ पर डायरेक्टली हमें बताया गया 1800 रुपए, और एडजस्टमेंट करते टाइम भी आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा हो रहा है फर्नीचर का, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट 21800 में से 1800 रुपए यहाँ पे आ गए। फर्नीचर सोल्ड, गुडविल 12000 एडजस्टमेंट है गुडविल में, फिर से मैं यहाँ पे गुडविल भी लिख दूंगा और 12000 लिख दूंगा एडजस्टमेंट के लिए, प्लेस छोड़ दूंगा। इस तरह से मैंने बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटीज की सारी एंट्रीज कर दी। अब बाय वन बाय वन एडजस्टमेंट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन बोला है एड हो जाएगा, एप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे, ऑब्वियसली सम में ऑलरेडी बताया गया 70,000 पे 10% 7,000 होता है, कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाना चाहिए। 7,000 से इंक्रीज हुआ है तो यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 आप यहां पे इंटर कर देंगे। इसके बाद क्या बताया गया देखेंगे, इसके बाद बताया कंप्यूटर रिड्यूस बाय 1900, एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया कि इतने में इतने से रिड्यूस करना है, कंप्यूटर रिड्यूस्ड टू और रिवैल्यूएटेड तो बताया, तो फिर अलग तरीके से होता है। यहाँ पर रिड्यूस बाय 1900 मतलब 1900 रुपए से कम करना है, सो 1900 रुपए से कम करना है तो 1900 रुपए माइनस करने होंगे। कंप्यूटर भी एक फिक्स असेट्स होता है, हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए, जब 1900 माइनस करेंगे 17,500 में से तो 16,500, तो फिर हो जाएगा 15,600, ठीक है। 1900 रुपए कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इंटर करेंगे डेबिट साइड में कंप्यूटर 1900। इसके बाद क्या बताया गया देखते हैं, सेकंड एडजस्टमेंट डेटास वेयर ऑल गुड, आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। डेटास वेयर ऑल गुड मीन्स डेटास सारे सही है, सारे ठीक है, डेटास बहुत अच्छे है, आरडीडी की कोई जरूरत नहीं है, नो आरडीडी रिक्वायर्ड। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ब्लैंक छोड़कर 18,000 ले लेंगे, इट्स ओके। ये मैंने कर दिया 18,000, ये यहां तक सब कुछ ओके है, नो प्रॉब्लम। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेटास का अमाउंट हमें आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में कितना बताया गया 17,100, ठीक है, और यहां पर हमने 18,000 ले लिया, 17,100 था, 900 रुपए क्या हो गया, डेटास बढ़ गए मतलब हमारे असेट्स बढ़ गए, असेट्स बढ़ गए तो हम लोग क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे क्योंकि हमारे लिए फायदा हुआ है। तो मैं यहाँ डेटास 900 रुपए लिख देता हूँ। इसके बाद क्या बताया गया देखते, थर्ड एडजस्टमेंट क्या बताया, मशीनरी रिड्यूस बाय रिड्यूस्ड 8,9400। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, कंप्यूटर रिड्यूस बाय 1900, वैसे मशीनरी रिड्यूस 8,1900। देखिए कितना इंपॉर्टेंटली 9,400 बताया है, यानी मशीनरी की वैल्यू ही 9,400 करनी है। तो ये आपको ध्यान देना कि यहाँ पे एट वर्ड यूज हुआ है या फिर बाय वर्ड यूज हुआ है, बाय वर्ड यूज हुआ है तो कंप्यूटर हम लोगों ने कम किया 1900 रुपए से, यहाँ पे एट वर्ड यूज हुआ मतलब मशीनरी की वैल्यू 9,400 रुपए होगी, मतलब देखो 600 रुपए कम हो गए, और कम हो गए फिक्स असेट्स मतलब डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होगा, सो डेप्रिसिएशन ले लूंगा 600 रुपए, और मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है तो हमारे लिए लॉस है, यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मशीनरी 600, ठीक है। अब क्या बताया गया देखते आगे, सो आगे बताया गया हमें फर्नीचर वेयर सोल्ड 21,800, तो ये हमने ऑलरेडी किया है कि फर्नीचर 20,000 का था, 21,800 में बिका, 1,800 रुपए हमारे प्रॉफिट हुआ, 21,800 रुपए बैंक में आ गए। इसके बाद क्या बताया गया, देखिए पार्ट पेमेंट मेड टू द 15,000 पार्ट पेमेंट मेड करना है हमें और बैलेंस ट्रांसफर करना है। उसके पहले एक एडजस्टमेंट बताया गया, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रिवैल्यूएटेड एट रुपीज सॉरी वैल्यूड एट रुपीज 16,500। गुडविल जो है वो फर्म की कितनी होगी, 16,500 रुपए होगी, ठीक है, 16,500 रुपए गुडविल हो गई है फर्म की। ऑलरेडी अभी जो गुडविल दी गई थी 12,000 थी, अब कितनी हो गई, 16,500 रुपए हो गई, 16,500 आउटर कॉलम में आ गया। रिटर्न ऑफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, रिटर्न ऑफ करने के लिए बुला होता तो ये बैलेंस शीट पे शो ही नहीं करता मैं। यहाँ पर 4,500 बढ़ गया है, राइट, वर्ड यूज करूंगा इंक्रीज। अब गुडविल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं होता है, गुडविल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। 4,500 से इंक्रीज करना है गुडविल, 4,500 इंक्रीज करने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स में इक्वली, क्योंकि इक्वली उनका रेशियो है, सो बाय गुडविल अकाउंट 4,500 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1,500 इस तरह से गुडविल आपने क्रिएट कर लिया, न्यू गुडविल, ठीक है। इस तरह से सारी इंट्रीज हो गई। अब हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, क्लोज करना है हमें, सो क्लोजिंग में आप देखेंगे इस तरफ की इंट्रीज ही ज्यादा दिख रही है, इस तरफ की इंट्रीज कम है। तो सारी इंट्रीज सारे अमाउंट आउटर कॉलम में है, ऑलरेडी देख लिया रिवैल्यूएशन अपन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है 7,000 and 1,800 and 900, तो 1,800 900 2,700, सो इट विल बी 9,700, ये भी 9,700, उसमें से 1900 और 600 यानी 2,500 रुपए माइनस करने के बाद हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि हमें डेबिट साइड में बैलेंस मिल रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर
और तीनों पार्टनर के नाम है अनिल, सुनील एंड सुरेश। इनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है आपको 9,700 में से 2,500 रुपये। जब आप माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 7,200, और 7,200 आपको तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उनका इक्वली रेशियो है 1:1:1। सो 2,400, 2,400 एंड 2,400 इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। और ये 2,400, 2,400 डेबिट साइड में है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि मैंने ये अकाउंट प्रिपेयर किया है। मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्ड प्रॉफिट ब्रैकेट में 2,400, 2,400 एंड 2,400। गाइस देखेंगे सारी एंट्रीज हो गई डेबिट साइड में, यहाँ पर वैसे भी कोई अमाउंट आया नहीं है। फोर्थ एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था, उसमें क्या बताया था, RTGS करके 15,000 सबसे पहले ट्रांसफर करने हैं, तो टू बैंक अकाउंट में 15,000 ट्रांसफर कर दूंगा, सुरेश के अकाउंट में 15,000। तो हमारा बैंक से 15,000 कम हो गया, 15,000 कम हुआ तो मैं यहाँ लिख दूंगा 15,000 हमारा कम हो गया। ठीक है, ये हमारी इंट्रीज करते टाइम में यूज होगा, 21,089,009 यानी 30,200 रुपये, और उसमें से 15,000 माइनस होगा, 15,200 रुपये से बैंक बैलेंस है। अगर और कहीं एडजस्टमेंट बचे भी नहीं है तो वो हम लोग बाद में देखते हैं। अब हम लोग क्लोज करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर डेबिट साइड में तो कोई अमाउंट था ही नहीं, क्रेडिट साइड में तो सारे अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस ही ज़्यादा होंगे, तो क्रेडिट बैलेंस हम लोग लेते हैं कितने आते हैं देखिए, 6,000 तो 38, सो इट विल बी 40,400, 40,400 सुरेश अकाउंट मैंने पहले क्लोज किया, क्योंकि यहाँ से लोन मिलेगा हमें 15,000 पेड करने के बाद। बैंक अकाउंट RTGS किया गया है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो टू सुरेश लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे, और बचा हुआ अमाउंट जो कि है 25,400 वो मैं यहाँ डाल दूंगा सुरेश के लोन अकाउंट में। 25,000 लोन क्रिएट हो गया, लोन जो है लायबिलिटी होता है, सुरेश लोन अकाउंट लायबिलिटीज में बता दूंगा 25,400 रुपये। सो इस तरह से एक क्लोज हो गया। बाकी जो दोनों पार्टनर है वो लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर अनिल एंड सुनील, उनके बैलेंसेस जो है वो पार्टनर्स कैपिटल जो होता है बैलेंस शीट में वहां पर हम लोग इंटर करेंगे। सो पहले क्लोज करते हैं सुनील का, सुनील का बैलेंस कितना आ रहा है देखिए, 4,535, 441, 43,400, सो 43,400 यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है 43,400 डालने के बाद। टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 43,400। तो ये है सुनील का बैलेंस, सुनील का बैलेंस डाल देंगे सुनील के अकाउंट में 43,400। इसके बाद देखते क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, 6,678 and 9, सो 9 and 43 52,000 हो जाएगा। सो 52,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे 52,000, और 52,000 जो है वो बैलेंस बचेगा क्योंकि कोई एंट्री नहीं डेबिट साइड में। सो 52,000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अनिल के अकाउंट में यहाँ पर 52,000। अब वही बैंक या कैश का ट्रांजेक्शन बाकी होता है, तो बैंक का ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, 21,800 एंड 8,400 इज 30,200, उसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो बचता है 15,200। सो ये बैंक बैलेंस है, ये हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर बैंक 15,200। अब हम लोग बैलेंस शीट की टोटल करेंगे और हमारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, और हमारी बैलेंस शीट टैली होती है तो हमारा सम सही हो जाता है। तो देखते हैं कितना टोटल होता है बैलेंस शीट का, सो यहाँ पे 18,000, 15,600 और ये सारी चीज़ों की हम लोग टोटल करेंगे तो हमें आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,15,700। अब लाइबिलिटीज साइड में हम टोटल करने आते हैं, और लाइबिलिटीज साइड में भी टोटल सेम आ रही है हमारी 1,15,700। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज हो गई। फर्नीचर अगर इस तरह का एसेट सोल्ड किया जाता है, उसकी कहीं बुक्स में एंट्री नहीं है, तो उसकी इस तरह से इंटर होता है कि उसमें जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमें निकालना होता है, और रीवैल्यूएशन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। डेबिट और क्रेडिट साइड लॉस अगर रहा है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में इंटर करना है। और RDD की इंट्रीज, मशीनरी की इंट्रीज, सारे अदर गुडविल में अगर रेज हुआ है, अगर गुडविल कभी कभी कम भी होता है तो कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिटर्न ऑफ करना होता है, तो वो सारी इंट्रीज हमें करनी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट करके। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सब कंप्लीट किया।